सतरीकाल सलाम एंड हेलो टू माई ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। या किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हैं, अपने एक्स पार्टनर, अपने क्रश के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। हम चेक करेंगे कि आज सुबह से वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स वो, इस रिश्ते में वो क्या चाहते हैं चेंजेस और क्या करना चाहते हैं वो। ओके, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से जरूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये जरूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। फ्रेंड प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स और एक्शन क्या है। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके पार्टनर्स क्या सोच रहे थे, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, उनके लाइफ की सिचुएशन क्या है, उनके लाइफ की सिचुएशन क्या है और क्या फीलिंग्स हैं उनकी और क्या एक्शन होंगे उनके। मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स प्लीज गाइड माई डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide. Talk to me, please. One more time, please. मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है बहुत ज्यादा। क्या है ग्रीन कलर का? किसी के पास कोई ग्रीन कलर है? डार्क ग्रीन। देखिए ग्रीन कार्ड्स भी ग्रीन ही आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी देखिए, अगेन न्यू बिगनिंग की एनर्जी ही है। कि मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले। हाँ प्लीज गाइड डिवाइन सम मोर गाइडेंस प्लीज। एक मिनट, हाँ कार्ड गिर गए। द ड्रीम एंड इन अ वॉइस की एनर्जी है। वन मोर टाइम प्लीज। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सो सॉरी। सक्सेस, एक्सिस्टेंस, मास्टर एंड करेज, न्यू बिगनिंग के लिए करेज। ओके सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। ओके कोर्टशिप, ये जो कार्ड है ना ये रिवर्स में आया था। ठीक है देखिए, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लोगों के यहाँ पार्टनर्स के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप और उनके स्पाउस, या फिर कुछ दो ऑप्शन जहाँ वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। किसी को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, किसी को पीछे छोड़ के वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ऐसा लग रहा है मुझे। सो जिस तरह से आपसे रेजोनेट करें उस तरह से लें। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं है, ज़बरदस्ती का इस रीडिंग को अपने साथ रेजोनेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, मिसगाइड ना हो बेसिकली। ठीक है, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है। द फूल की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग सही है। ठीक है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 6 यहाँ दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 6 की एनर्जी है, ब्यूटिफुल। 1, 2 एंड 8, ठीक है, 2, 2 की एनर्जी भी है, डबल एनर्जी। 4 है, 7 है, 28 है जो कि 10 भी होता है, 1 भी होता है, एंड 10 की एनर्जी, ब्यूटीफुल कंप्लीशन वाली एनर्जी है ये। 27 एंड 26 जो कि 9 और 8 होता है। ठीक है,
10, 9, 8 की एनर्जी है. सो कुछ रिवर्स में कुछ चल रहा है, कुछ वापस आ रहा है कुछ. ठीक है, देखिए इनके पास कोई दो ऑप्शन हो सकते हैं, आप और कोई और इंसान, या कोई और सिचुएशन, या कोई कुछ भी इनकी माइंड और बॉडी. मुझे कोई इंसान लग रहा है बेसिकली, क्योंकि यहाँ कोर्टशिप की एनर्जी जो है वो रिवर्स में आई है. कोई ऐसे इंसान जिनको ये पीछे छोड़ना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, किसी से ये मूव ऑन करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है. मतलब ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है ना वो एक डिसीजन लेने के लिए रेडी होने वाली एनर्जी है. ये कोई डिसीजन लेके कोई एक्शन लेना चाहते हैं. दो ऑप्शन इनके पास हैं, इनडिसिसिव हो रहे हैं. मतलब इनको समझ नहीं आ रहा कि डिसीजन कैसे लेंगे, क्योंकि करेज की थोड़ी सी कमी दिख रही है, जो कि एक्शन में है अभी नहीं. ओवरऑल एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी जो है वो करेज की एनर्जी है. इनको हिम्मत की कमी हो रही है. ठीक है, ये एक्शन आपके टूवर्ड्स लेना चाहते हैं, किसी एक इंसान को छोड़ के आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है. इनकी लाइफ सिचुएशन ऐसी है, मतलब ज़्यादा टाइम इनका जो है ना ये सोचने पर जा रहा है कि किस तरह से डिसीजन लें, किस तरह से एक्शन लें, किस तरह से ये दूसरे पर्सन को छोड़ें और आपकी तरफ ये बढ़ें. किसी किसी के केस में हो सकता है कि ये किसी डिवोर्स को फेस कर रहे हैं, या तो डिवोर्स फाइल किया इन्होंने, या डिवोर्स फाइल करने का सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है. या फिर कुछ ना कुछ केस इस इनमें चल रहा है, ये हो सकता है. ठीक है, तो जिस तरह से आपसे रेजोनेट करे चीज़ें उस तरह से लीजिए. ओके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत लोगों की एनर्जी आती है, बहुत सारे सिचुएशंस मुझे दिख रहे हैं. जिस तरह से आपसे रेजोनेट कर रही है उस तरह से आप लें एनर्जी को. ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि इनको कुछ ड्रीम्स में कुछ दिख रहा है, ये आपसे डेस्टिन्ड है, या फिर आपके साथ इनको होना चाहिए. इनको कुछ यूनिवर्स आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी है कि इनको यूनिवर्स पुश कर रहे हैं आपकी तरफ, और ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एक एक स्टेप. लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि चीज़ों को सही से ये कैसे सही करें, पूरी तरह से ये कैसे सही करें, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है. इनको इनर वॉइस, अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं. इनको अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है, इनको कोई एक्शन लेना है आपके टूवर्ड्स, इनको सब कुछ सही करना है, लेकिन इनको स्ट्रेंथ नहीं है. ओवरऑल एनर्जी जो है वो करेज की एनर्जी है. ओह माय गुडनेस, अगेन द फूल की एनर्जी. क्या बोलूँ मैं, समझ जाइए आप लोग अब. इनको अंदर से आवाज़ आ रही है कि इनको एक न्यू बिगनिंग करना है आपके टूवर्ड्स. द लवर्स की एनर्जी है. सो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है आप दोनों के बीच. सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है ये आपका. ये ऐसा कनेक्शन है जब आप इनसे महीनों सालों आप दूर भी रहो तो इनकी एनर्जी आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होगी कभी भी, ना ही आपकी एनर्जी इनसे डिस्कनेक्ट होगी. ये किसी और के साथ भी रहें, कोई और प्लैनेट में भी रहें, लेकिन आप दोनों की एनर्जी हमेशा कनेक्टेड रहेगी. सो इसलिए आप सेपरेशन होने के बाद भी आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आप कनेक्टेड हो उनसे. आप जानना चाहते हैं उनके बारे में कि क्या चल रहा है उनके लाइफ में, वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, राइट. सो ये कैसा कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है ये. एक न्यू बिगनिंग इनको करनी, एक छलांग लगानी है आपकी तरफ, एक रिस्क लेना है इनको आपकी तरफ. और ये रिस्क कुछ भी हो सकता है, ये तो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कोई रिस्क लेना होगा, या फिर अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कोई रिस्क लेना, या फिर आपके ही अगेंस्ट में कोई रिस्क लेना, क्योंकि आपकी एनर्जी उनको नहीं पता चल रही है. सो एक छलांग ये आपकी तरफ मारना चाहते हैं, एक रिस्क आपकी तरफ लेना चाहते हैं ये इंसान, लेकिन उनको करेज की कमी है ऐसा दिख रहा है मुझे. सो इनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, इनको यूनिवर्स पुश कर रही है आपकी तरफ कि जाओ हो गया टाइम, अब लो एक कोई एक्शन और चीज़ों को सही करो. सो इनर वॉइस इनकी गाइड कर रही है. ओवरऑल इनके लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, ठीक है, और ये अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, ऐसी एनर्जी है. ओके, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं. फीलिंग्स में ये एनर्जी है, इनको लग रहा है कि पहले इन्होंने इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या होता है एक रिश्ते में, लाइक आपको प्रपोज करना, आपसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, आपको एक सिक्योर फील करवाना कि आप उनके साथ सिक्योर हो, आपको कभी ये धोखा नहीं देंगे, या फिर हमेशा आपके साथ रहेंगे. ऐसी कोई एनर्जी इनकी पास्ट में नहीं रही है. इनकी फीलिंग अभी ऐसी है कि इनको आपके साथ सक्सेस चाहिए, ये आपके साथ काम करना चाहते हैं. ऑग्रेशन का मतलब ये है ना कि ये आपके साथ काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके साथ सक्सेस देखना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं. ये एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है. ये आपके साथ इस रिश्ते में एफर्ट्स लगा के इस रिश्ते को सक्सेस की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं है कि ये इंसान आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, या फिर इस तरह का कोई सपोर्ट आपको देंगे. पॉसिबल है अगर आप मैरिड हैं इस इंसान से, तो ये इंसान अब आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी है हर तरफ से, यू नो, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरफ से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इंसान रेडी है. लेकिन अगर मैरिड नहीं है आप इनसे, तो ये इंसान
रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस रिश्ते में, एक कॉल करना या फिर मैसेज का जवाब देना या फिर कनेक्टेड रहना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, प्रपोज नहीं किया तो प्रपोज करना, वो सब कुछ ये करना चाहते हैं इंसान, इनकी फीलिंग्स ऐसी है। तो क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान सक्सेस चाहते हैं आपके साथ और प्रपोज करना चाहते हैं आपको, मुझे ये दिख रहा है। जो लोग करंट पार्टनर के लिए देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मैरिज कमिटमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, अपने घर में बात करने की कोशिश कर रहे हैं और एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से वो पूरी तरह से चीज़ों को सही करें। अब नेक्स्ट पार्टनर के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये इंसान आपकी लाइफ में री एंटर करना चाहते हैं और उसके लिए ये करेज जुटा रहे हैं कि ये क्या करें कि आपकी लाइफ में ये री एंटर कर पाएँ और आपके साथ सक्सेस इनको मिले इस रिश्ते में और अपनी एनर्जी को इस रिश्ते में ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफर्ट्स लेना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आप क्रश की रीडिंग नहीं कर रहे हो, देखिए ये क्रश की रीडिंग और सब रीडिंग मिल के आई है, एकदम मिक्स रीडिंग है ये। ठीक है, तो मुझे आज यही इंट्यूशन हो रहा था कि मैं यू नो कलेक्टिव में मैं रीडिंग करूं, सिर्फ सेपरेशन में जो लोग हैं उनके लिए नहीं करूं। सो ये वही एनर्जी निकल कर आई है। सो ये क्या चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में कुछ ना करें, आप ऐसा ना सोचे कि सब कुछ खत्म हो गया है और यू नो आपकी एनर्जी को वो कुछ वाली एनर्जी में देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर दोगे, अब आप हार मान जाओगे इस रिश्ते में, अब आप और एफर्ट्स नहीं लगाओगे। हमेशा आपकी एक ऐसी एनर्जी रहती थी कि आप काम करना चाहते थे इस रिश्ते में, आप एक और मौका देना चाहते थे इस रिश्ते में, चाहे कितनी भी चीज़ें पहले भी ख़राब क्यों ना रही हों लेकिन आप फिर भी एफर्ट्स लगाना चाहते थे इस रिश्ते में। तो ये इंसान आपसे चाहते हैं कि आप कुछ ना करें, एक और मौका आप इनको दें और इस रिश्ते को दें और समझें कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए है, एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे है, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, आपको यूनिवर्स से यूनिवर्स ने मिलाया है, ये चाहते हैं और एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा या तो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो आप एक्सपेक्ट मतलब आप एक्सपेक्ट करें इनसे, ये चाहते हैं। ठीक है, आप चाहें इनसे कि ये वापस आएंगे और ये आएंगे वापस, आपको इतना विश्वास रखना होगा, आप कुछ ना करें, आप ये आपसे ये चाहते हैं, आप कुछ ना करें, आप ये समझें कि आप दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया है और सारी चीज़ें सही होंगी, आप इतना ज़रूर विश्वास रखें, ये आपसे ये चाहते हैं, या आप एक्सपेक्ट करें इनसे कि ये वापस आएंगे और ये आपसे एक्सपेक्ट करना चाहते हैं कि आप सेकेंड चांस दोगे इस रिश्ते में इनको और इस रिश्ते को, ये चाहते हैं आपसे। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल इनकी पहले तो इनका ईगो, इनका एंगर, इनका डोमिनेंट बिहेवियर वो था, अभी इनको आपका दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी डोमिनेंट हो गए हो, अपनी बात मनवाने में एक ज़िद में आप आ गए हो कि आप जिस तरह से चाहते हैं आप उस तरह से इस रिश्ते को लेके जाएंगे। इनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी अभी ऐसी है। ठीक है, आप ज़िद में रहते हो, आप ईगोस्टिक हो गए हो या फिर आप चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते हो, आप अपने तरीके से इस रिश्ते को लेकर जाना चाहते हो। अगर ये कह रहे हैं कि अभी नहीं बात कर पाएंगे, आप अंडरस्टैंड नहीं करते उन चीज़ों को, आप जिद में आ जाते हो और अपने हिसाब से आप इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं। तो ऑब्स्टिकल इनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी ईगोस्टिक हो गए हैं, अपने हिसाब से आप चीज़ों को चाहते हैं, आप इनको नहीं समझना चाहते हैं, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, इनको ऑब्स्टिकल ये भी लग रहा है कि आपसे सेपरेशन में रहने के बाद ये इंसान जो है ना बीमार रहने लगे हैं, इनकी एनर्जी लो होने लगी है, चीज़ें सही नहीं हो रही इनके लाइफ में। सो ये नहीं चाहते हैं अब ये सब चीज़, इनको अब ऑब्स्टिकल लग रहा है बीमार रहना या फिर ओवर थिंकिंग जो ये करते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है जो कि नहीं चाहते हैं। सो ये सब इनके लिए ऑब्स्टिकल है। जर्नी, आपके साथ भी जर्नी इनको ऑब्स्टिकल लग रही है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे ये इंसान मूव ऑन करना चाहते हैं, मे बी ये कहीं फंसे हैं, किसी और रिश्ते में भी फंसे हैं और ये इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके साथ जर्नी इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। जर्नी का मतलब पता नहीं आपके साथ ये कितना दूर जा पाएंगे या इस रिश्ते को कितने सक्सेसफुल ये लेके जा पाएंगे, कितनी एनर्जी कितनी एफर्ट्स ये लगा पाएंगे इस रिश्ते में, इनको नहीं पता है। आप इनका कितना साथ दोगे इनको नहीं पता है। ये जहाँ है वहाँ खुश नहीं है और वो इनकी जर्नी नहीं, इनको ये समझ में आ रहा है। जर्नी इनकी आपके साथ है, इनको ये समझ में आ रहा है। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है, इनको ये समझ में आ रहा है। तो आपके साथ आगे जर्नी क्या है इनको नहीं पता है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है। आपके साथ कुछ है या नहीं है, है तो कितना है, कितना स्ट्रांग है, आप उन पर कितना ट्रस्ट करते हो, आगे जाके रिश्ता क्या होगा, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, सो ये जर्नी जहाँ वो कनेक्ट कर रहे हैं अब आपके साथ, चीज़ें आगे क्या होने वाली है इनको नहीं पता है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रही है अभी। समझ रहे हो? हाँ, सो ये चीज़ें इनको ऑब्स्टिकल लग रही है क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। आप दोनों के बीच में, आप दोनों का साथ अगर होगा तो आगे क्या होगा, इनको नहीं पता है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। ठीक है, न्यू बिगनिंग ये करना चाहते हैं। एक्शन में न्यू बिगनिंग की एनर्जी है जो कि ये चाहते हैं। न्यू बिगनिंग, ये पोटेंशियल देखना चाहते हैं कि कितनी पोटेंशियल है इस रिश्ते में, आप एफर्ट्स लेंगे या नहीं,
आप इस रिश्ते में और एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, ऐसी की एनर्जी है। सो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम है, हम करियर नहीं देख रहे हैं। सो अनएक्सपेक्टेड कॉल या मैसेज आपको रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर से, मुझे ये दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पे एक कॉल मैसेज की एनर्जी है। सो अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ एक्शंस आप अपने पार्टनर से रिसीव कर सकते हो। अनएक्सपेक्टेड एक्शन में ज़रूरी नहीं कि कॉल मैसेज ही आपको करे इंसान, ये हो सकता है सामने से कोई ऑफर लेके आ जाए, या हो सकता है ये इंसान कोई हिंट दे आपको, आपके प्रोफाइल पेज में विजिट करे, या फिर आपके स्टेटस को चेक करे, या फिर लाइक करे, कमेंट करे, कुछ ऐसा हिंट अनएक्सपेक्टेडली आप रिसीव करोगे कुछ ना कुछ इनसे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जो है वो न्यू फुल की है, न्यू बिगनिंग की है। डेफिनेटली ये इंसान जो है कुछ ना कुछ एक न्यू स्टार्ट आपसे करना चाहते हैं, जो कि जिसमें कि करेज चाहिए, और इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ कनेक्शन मतलब यस, आप इनके लिए लकी हो। ठीक है, यस, आपको चेस कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया में, ऐसा हो सकता है। इनको करेज चाहिए एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक छलांग मारने के लिए इनको करेज चाहिए बहुत, और इनको पता है कि आपके साथ अगेन एक लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, सो ये रीडिंग उनके साथ रेजोनेट करेगी जो कि ऑलरेडी किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है और बहुत स्ट्रांग बॉन्ड आप फील करते हो अपने पार्टनर के साथ, ये उनके साथ ही रेजोनेट करेंगी रीडिंग। ठीक है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आपका, आप दोनों का, और दोनों ही बार बार सेपरेट होते हैं, बार बार मिलते हैं, फिर सेपरेशन आता है, फिर मिलते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी। सो ये आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं, इनको लगता है कि आप इनके लाइफ में रहोगे तो आप इनकी लाइफ एकदम सही से रहेंगी, ट्रैक पे रहेंगी, अबंडेंस होगा इनके लाइफ में, इनको ये लगता है। तो इसलिए ये इंसान जो है एक न्यू बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, अपने खुशियों के लिए, आपकी खुशियों के लिए एक छलांग मारना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन इनको नहीं पता है कि कैसे छलांग मारेंगे, और करेज इनको नहीं आ रहा है, कहाँ से हिम्मत जो होती है ना वो नहीं आ रही है, क्योंकि इनको नहीं पता है कि आप क्या, आपका रिएक्शन क्या होगा इनके एक्शन से, और बाकियों का रिएक्शन क्या होगा आप दोनों के मिलने से, जर्नी आगे क्या होगी इनको नहीं पता है। तो ये सब लेके ये इंसान जो है कन्फ्यूज्ड हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेकर कोई एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। डिसीजन और एक्शन के लिए इंसान रेडी हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओवरऑल इनके लाइफ की एनर्जी ऐसी है कि कोई डिसीजन ले और वहाँ एक्शन ले। सो पूरा दिन इनका ये सोचने में जा रहा है कि किस तरह से डिसीजन ले और कैसे एक्शन ले। ओके, सो मैसेज हम आपके लिए देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान। वन मोर टाइम प्लीज। You deserve love, you are lovable. आपके पर्सन को ये लगता है कि आप डिज़र्व करते हो उनका प्यार, आप डिज़र्व करते हो वो सब कुछ जो वो नहीं दिए हैं आपको, और अब ये इंसान आपको वो सब कुछ देना चाहते हैं। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज़, कुछ लोगों के लिए ये क्रश है आपके। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके न्यू लव हैं जो कि आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, और या तो लव प्रपोजल या फिर मैरिज का प्रपोजल मुझे लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू पर्सन है, कोई क्रश है आपके जो कि आपको प्रपोज करना चाहते हैं। सोलमेट, दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये इंसान जो है आपके सोलमेट है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। रिलीजियस फैक्टर्स हो सकता है आप दोनों के बीच, कोई एज गैप, कोई रिलीजन का गैप, कोई फाइनेंशियल गैप, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच जो कि ऑब्स्टिकल हैं। ओके, एंगेजमेंट की एनर्जी है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कुछ लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिलेगा, मैंने बोला ना, जो आप करंट पार्टनर के लिए जो लोग देख रहे हैं उनको कोई मैरिज का प्रपोजल, कोई कमिटमेंट मिल सकता है, कोई एंगेजमेंट हो सकती है आपकी। जो लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, या लव प्रपोजल हो सकता है, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। जो एक्स के लिए देख रहे हैं वो इंसान वापस आ सकते हैं आपको कोई ऑफर के साथ। ठीक है, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. ये इंसान आपसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। पता नहीं मैंने एक और कार्ड क्यों निकाला, मुझे नहीं पता। This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. आप जिस इंसान को खोज रहे थे ये वही इंसान है, और ये आपके लिए ही बने हैं, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। सो यस ये वही इंसान है। द लवर्स की एनर्जी है, इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो सकता है आप दोनों के बीच में। जो दिख रहा है उस पर मत जाइए, वो इंसान किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उस पर मत जाइए, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं उस पर जाइए, रूट को पकड़िए, उसे निकालिए और हील कीजिए खुद को, और अपने यूनियन को क्लेम कीजिए। ओके, और एक चीज़, मैंने कल कर्मा एक स्प्रेड किया था और उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम आपका वो वीडियो नहीं दिख रहा है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो वीडियो लिंक किया है, आप लोग वहाँ से आप अगर आपको मिल रहा है तो आप वहाँ से ले लें, अदरवाइज मैं उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी कर्मा हीलिंग मेडिटेशन, आप वहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप कहीं से भी करें लेकिन कर्मा हीलिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। ओके सो यस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल।